अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट की एक्सरसाइज को देखेंगे बेटे। उसमें जो कल हमने क्वेश्चंस देखे थे वो 9.3 तक थे, जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे वो 9.4 है। कहते हैं वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। जो कंडक्शन ऑफ हीट है ना, वो गैसेस में क्यों नहीं होती। कहते हैं कंडक्शन के लिए जो हीट है ना, वो ट्रांसमिट होती है बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स। जब भी मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर प्लेसेस, वो अपनी प्लेसेस को नहीं छोड़ते। ये हम बात कर रहे हैं कंडक्शन की। लेकिन जब हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो फ्रीली मूव करते हैं, वो अपनी कंडीशन कह रहा हूँ वो अपनी प्लेसेस को छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है ना। इसी वजह से कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। 9.5 में कहते हैं व्हाट मई डू यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेस। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटे हमने टॉपिक पढ़ा था, उसके अलावा सोलर हीटिंग, वाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन। फ्लूइड में ट्रांसफर ऑफ हीट कन्वेक्शन से कैसे होती है। अगर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं, जो हीट है वो ट्रांसफर्ड होती है बेटा कन्वेक्शन से, क्योंकि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, राइज अप होना शुरू हो जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं, और जो न्यू मॉलिक्यूल्स उनकी सराउंडिंग्स में पड़े होते हैं बेटा, वो उनकी जगह को ले लेते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है कि व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट क्या होता है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें या गैसेस की बात करें, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो राइज अप होना शुरू हो जाते हैं बेटे, और जो कूलर मॉलिक्यूल्स उसकी सराउंडिंग्स में मौजूद होते हैं वो उन मॉलिक्यूल्स की जगह ले लेते हैं जो हीट अप होने के बाद राइज अप हो जाते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम कूलर टू हॉटर एरियन, फ्रॉम कूलर टू हॉटर एरियन। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो हीट अप होंगे, राइज अप हो जाएंगे, और जो उसकी सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस राइज अप हुए हुए मॉलिक्यूल्स की प्लेसेस को संभाल लेंगे, और ये कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस जारी रहेगा। सो जस्ट अ सिंपल एक्टिविटी टू शो कन्वेक्शन ऑफ हीट इन गैसेस नॉट गिवन इन द बुक। बहुत आसान है। एक ग्लास बॉक्स लेना है आपने, जिसके अंदर दो होल्स होंगे, उसके टॉप पे बर्निंग कैंडल बेटा उसके नीचे रख देनी है, और द वन होल एंड स्मोकिंग स्टिक ऑन द अदर होल, और स्मोकिंग स्टिक्स आपने दूसरे होल में रख देनी है। कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि जो करंट है, यानी कि स्मोक जो मूविंग है वो टुवर्ड्स द हॉटर रीजन वो मूव करना शुरू कर देगी। दिस शो द कन्वेक्शनल करंट इन गैसेज, क्योंकि बेटा जो हॉटर रीजन है वहाँ पे जो गैसेज हैं वो हीट अप होने के बाद, एक्सपेंड होने के बाद राइज अप होना शुरू हो जाती है। हाउ डज हीट रिचेज अस फ्रॉम द सन। ये मैंने बोला था इंपॉर्टेंट MCQs भी है जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे बेटे कन्वेक्शन का। जो हीट है वो हमारे तक रेडिएशन के जरिए से पहुँचती है। हाउ वेरियस सर्फेसिस कैन बी कम्पेयर्ड बाय लिसाइल क्यूब। बेटा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन लिसाइल क्यूब हमने पढ़ा है, ये कम्प्लीट आपने लिखना है। वट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। कहता है अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, तो मैंने बेटा आपको बताया था एक बहुत इस डेफिनेशन से हट के मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। उस कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था कि जो सन रेज हैं जो हमारे तक पहुंचती हैं, उनमें कुछ ऐसी रेज होती हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती हैं, और कुछ ऐसी रेज होती हैं जिनकी वेवलेंथ बेटे कम होती है। जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेज होती हैं
वो ग्लास या पॉलीथीन शीट उसको अलाउ नहीं करती ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर आने के लिए। और वो रेज जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो उस ग्लास शीट पॉलीथीन शीट से अंदर आ जाती हैं, और अंदर आने के बाद वो जो है ना बॉटम पे टकराने के बाद जब दोबारा वापस जाना चाहती हैं तो उनकी टकराने की वजह से वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है और वो वापस नहीं जा पाती, जिससे जो है ना हीट क्रिएट हो जाती है उस ग्रीन हाउस में और ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा वो देख लेते हैं। कहता है इन द ग्रीन हाउस, अगर आप ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो क्या होता है बेटे वहाँ पे, द रेज हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट पास इजिली थ्रू द वॉल्स ऑफ द ग्रीन हाउस एंड वार्म द ग्लास इनसाइड द हाउस। वही बात जो बेटे मैं आपको बता चुका हूँ कि वो वेव्स जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो अंदर एंटर नहीं हो पाती, दिस इंक्रीज और एंड वार्म द ग्लास इन साइड द हाउस, और क्या होता है कि यही वजह बनती है कि वो इंक्रीज कर देती हैं टेम्परेचर को ग्रीन हाउस इफेक्ट में। जो मैंने आपको बुक से निशान लगवाया है आप वो याद करना चाहें बेटा वो कर सकते हैं, और क्योंकि आपने पहले भी याद किया होगा, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको ये ईजी लगे, नो प्रॉब्लम। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरीके से असरअंदाज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, पानी की बात करें, जो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो जाती हैं हीट प्रोसेस से, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। रिसेंट ईयर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड की बेटा परसेंटेज है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, और यही वजह बन रही है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को मोर ट्रैप करना पड़ रहा है, और ये फिनोमिना ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, और ये काफ़ी सीरियस इम्प्लीफिकेशन है जो है ना ग्लोबल क्लाइमेट के लिए। ये हमने डिटेल में पढ़ा था जब ये लास्ट वाला टॉपिक हम सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, उधर भी निशान लगवाया होगा, अगर आपने वो करना है तो बेटा वो कर लें, जिसमें मैंने आपको लास्ट पे ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन करवाई थी, अदरवाइज आप ये करना चाहते हैं तो ये भी कर लें, नो प्रॉब्लम। दो न्यूमेरिकल्स बेटा जो हैं, कहता है द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस थिकनेस, एक कंक्रीट हाउस है जिसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है, उसका एरिया 200 मीटर क्यूब है, घर के अंदर का टेम्परेचर 15 सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 35 सेल्सियस है, और जो वहाँ पे बेटा हमारे पास वैल्यू ऑफ के है 0.65 वोल्ट पर मीटर पर केल्विन है। याद हो तो हमने बेटे न्यूमेरिकल एग्जांपल में इस तरीके से किया था कि हमने रेट फाइंड करना है वहाँ पे कि किस तरीके से हीट फ्लो हो रही है। एरिया है बेटा 200 मीटर क्यूब, लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो बेटा 0.2 मीटर आ गया। पता ना किस तरीके से कन्वर्ट करते होते हैं, पूरा पूरी बुक पढ़ ली है बेटे आप लोगों ने, अब तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो क्या करना है, ग्राम से किलोग्राम में, किलोग्राम से ग्राम में जाना हो, मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो क्या करते हैं, क्योंकि पूरी बुक की आप लोग न्यूमेरिकल्स कर चुके हो। ये हमारा लास्ट आज लेक्चर है, आज हमारी ये बुक बेटे कंप्लीट होगी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से जो होगा ना जो आप लोगों के समर वेकेशन होमवर्क जो आप लोगों को अभी रिसेंटली मिला है उसकी हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इनको। टेम्परेचर बेटा आउटसाइड का 35 सेल्सियस है, उसको हमने केल्विन में जब भी कन्वर्ट करना है तो ये 273 बेटे हमने उसमें ऐड करना होता है, ठीक है, और ये हमारे पास बन गया 308 केल्विन, और जो इनसाइड टेम्परेचर है वो 15 सेल्सियस है बेटे, इसको भी जब हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो आपको पता है 273 ऐड करना है, ये बन गया 288 केल्विन। के की वैल्यू जो दी हुई है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट क्या है बेटा, T1 - T2, और ये डिवाइडेड बाय लेंथ है बेटा, वैल्यूज पुट की डिवाइड किया तो आंसर आ गया 13,000 जूल पर सेकेंड। हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन होल थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2 मीटर बाय 2.5 मीटर व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 सेल्सियस एंड एट आउटसाइड इज 5 सेल्सियस, द थिकनेस ऑफ ग्लास इज 0.8 एंड द वैल्यू के 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। ये बिल्कुल ईजी है बेटा, बिल्कुल वैसा ही है जो हम रिसेंटली कर चुके हैं न्यूमेरिकल।
हम इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 जूल। इस चैप्टर के ये न्यूमेरिकल तो बेटा चांसेस नहीं होते कि ये बोर्ड में आ जाए, लेकिन दो ही हैं और सेम फॉर्मूला है, तो कोशिश करें आप इसको लाजमी करें। हमारी बुक बेटा आज कंप्लीट हो गई है, और कल के लिए मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए टेस्ट रखा हुआ है, आपने उसको बेटे देख लेना है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगेन ये मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जीज यूज इन आर बॉडीज, उसके बाद साइक्लिस वेस्टल जोल, न्यूमेरिकल है विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, न्यूक्लियर फ्यूल्स, केमिकल एनर्जी, और बेटा लास्ट पे न्यूमेरिकल। ये आपने अच्छे से एक दफ़ा इसको फिर देना है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी होंगी।